ये देखो आप, ये मैंने बनाया है पोहे से नाश्ता। पोहे और आलू का एक मसाला बनाया है और उसका बिना तेल का नाश्ता बनाया है। इस पूरी रेसिपी में मैंने लगभग 1 से 2 टेबलस्पून ही तेल यूज किया होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं किया। और ये बहुत हेल्दी है और फिलिंग भी है, ऐसा नहीं कि इससे आपका पेट नहीं भरेगा, पेट भी भरेगा, जिसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। सुबह सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है जब हर कोई सोचता है यार कुछ ऐसा खाना मिल जाए जो जल्दी बन जाए, आसान हो बनाने में, और दूसरा ये है कि वो हेल्दी होना चाहिए। ये आप ज़रूर सोचते हो, ये मैं भी सोचता हूँ, और आजकल तो मैं ज़्यादा ही सोचता हूँ क्योंकि यार हेल्दी तो खाना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऐसा खाना हो जो घर की चीज़ों से बन जाए और 2 चम्मच तेल ही लगे, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दोस्तों आप ये पोहे का नाश्ता ट्राई जरूर करना, मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगा, सिंपल है और बहुत इजी है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन पोहे के रोल्स का मसाला बनाना होगा। तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज किया है वो है 2 चम्मच तेल। उसके साथ साथ आपने यहाँ पर सरसों डालनी है, या राई के दाने भी कह सकते हो। साथ साथ मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग और फाइनली कटी हुई हरी मिर्चें। तो जीरा और सरसों को पहले हल्का सा पॉप होने देते हैं, और जैसे ही वो पॉप होने लग जाए आप यहाँ पर 1 कटा हुआ प्याज डाल देना। अब यहाँ पर प्याज को आपको कुछ ब्राउन राउन कुछ नहीं करना, आपका सुबह सुबह टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको इजी रेसिपी ही बताऊँगा। तो आपने बेसिकली प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है, लंबा नहीं पकाना, थोड़ी देर तक पकाना है, कह सकते हो आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम। और जैसे ही आपके प्याज हल्के से स्वेट करने लग जाए, यानी कि हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए, फिर मैंने यहाँ पर डाली है घिसी हुई अदरक, इसको पहले मिला लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर मटर डाले हैं, अच्छा ये फ्रोजन मटर है, तो इनको पानी में डाल के रखा था, रिफ्रेश किया, तो इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, रोस्ट करना पड़ेगा प्याज के साथ। मटर के साथ साथ मैंने यहाँ पर 1 कटा हुआ टमाटर डाला है, और आपको तो पता ही है कि जैसे ही आपने टमाटर डालना है आपने उसी टाइम यहाँ पर नमक डालना है, ताकि टमाटर अपना पानी जल्दी से छोड़ना शुरू कर दे। तो अब यहाँ पर नमक डालना, इन सब चीजों को आप अच्छे से मिला देना। अब यहाँ पर टमाटरों को भी आपने बहुत लंबा नहीं पकाना है, थोड़ी देर तक ही पकाना है, जब तक वो थोड़ा सा तेल निकालना शुरू नहीं करते। तो अब इसको अच्छे से स्टर करते रहना, और जैसे ही आपके टमाटर अच्छे से पक जाए आपको यहाँ पर डालना है मसाला। मसाले में मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर डाला है काफी सारा धनिया पाउडर और काफी सारा आमचूर पाउडर। खट्टापन भी बहुत जरूरी है। मसाले को थोड़ी देर भुनने के बाद आप चाहो तो आप यहाँ पर सब चीजों को मिलाने के लिए, अच्छे से गलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, मैंने भी डाला है। और अब कुछ एंड के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है उबले हुए आलू, लगभग 3 से 4 आपको उबले हुए आलू चाहिए होंगे मीडियम साइज के। इनके साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाला है, ताकि फ्लेवर बहुत बढ़िया आए। और बस अब क्या, और ये सारी चीजें अब आपको अच्छे से मिलानी है। लास्ट चीज मैंने एक डाली है थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए, कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए रोल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको ऐसे ट्राई जरूर करना। अगर आपके घर में हो पाव भाजी मसाला तो आप उसको जरूर डालना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बस आपका आलू का मसाला पूरा तैयार है, अब बस वेट करना है कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना बैटर का मिक्स बना लेते हैं, जो पोहे का बैटर है। तो पोहे का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। 1 कप पोहे को आप पानी में डाल के रखना ताकि ये रिफ्रेश हो जाए, और 5 मिनट तक इसको छोड़ देना ताकि पोहा फटाफट से फूल जाए। फूलने के बाद आपने पोहे से सारा पानी ड्रेन आउट कर देना है, और हाँ जितना और पानी आपको लगता है ना पोहे के अंदर, वो भी आप थोड़ा सा निचोड़ के निकाल देना, क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए। और अब इस पोहे को पानी से ड्रेन करने के बाद थोड़ी देर ड्राई होने देते हैं, यानी इसको थोड़ी देर के लिए लगभग 1 से 2 मिनट के लिए रूम में खुला छोड़ देना। तब तक बाकी इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं। तो बाकी इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज करे हैं वो है 1 कप सूजी आपको चाहिए होगी, 1/2 कप मैंने यहाँ पर दही डाली है उसके साथ, और थोड़ा सा नमक डाला है इसमें। तो सूजी को फुलाने के लिए पहले उसमें दही अच्छे से मिला देते हैं, और इसको भी आप 5 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए।
अब जब ये सारी चीजें हो जाए तो बस आपने ये करना है कि आपने मिक्सर जार में सूजी और दही वाला बैटर डालना है, फ्रेश पोहा डालना है जो हमने रिफ्रेश किया है, इसके साथ साथ आपने एक कप पानी डालना है और बस मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। एंड दैट्स इट, ये आपका बैटर पूरा तैयार है। एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए बैटर, एकदम थिन भी नहीं होना चाहिए बैटर, बैटर फ्लोइंग होना चाहिए तभी सही से बनेगा। अब जरा आलू को भी देख लेते हैं, हमारे मसाले को, कि भैया क्या हाल है, ठंडा हुआ है नहीं हुआ है। अब ठंडा तो सही से हो गया है, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे रोल में कन्वर्ट करना है। ध्यान रहे ये फाइनल रोल नहीं है, जब मैं इसको रोल बना के डालूंगा तब मैं इसकी शेप थोड़ी सी और बेटर कर लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का सा गर्म है तो मैं अभी सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे शेप्स में। इससे आपको आसानी बहुत होगी, जब आप इसको शेप दे रहे होगे तो उस टाइम में करने में बहुत आसानी होगी। तो अब सारी तैयारियां हो गई है और अब टाइम हो गया है पकाने का। ये शीट्स पकाने के लिए, ये जो पोहे की हम शीट्स बनाएंगे, ये पकाने के लिए आपको नॉनस्टिक पैन बेस्ट रहेगा, क्योंकि नॉनस्टिक पैन में हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम फैलाएंगे और बहुत आराम से वो बाहर निकल आएगा। अगर आप आयरन का तवा या ऐसा तवा जिसमें आप रोटी पकाते हो उसमें अगर करोगे ये, तो वो शायद हो ना पाए क्योंकि पूरा चिपक जाएगा ये। तो आप कोशिश करना कि आप नॉनस्टिक पैन में ही सोएं। तो जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो जाए, तो गर्म होने के बाद ही हम यहाँ पर पकाना शुरू करेंगे। बस आपने एक करछी लेनी है बैटर की, उसको हल्का सा फैलाना है। ध्यान रहे अपने आप ही मॉइस्चर रिलीज कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको बहुत पतला फैलाना है, थोड़ा सा पतला फैलाने की कोशिश करना, दैट्स इट। ये अपने आप ही जो इसका मोटापन है अपने आप ही कम होता जाएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तब इसको हल्का सा ऐसे फैला लेना, जब एक साइड ऐसे सूखने लग जाए, साइड देखो आप, साइड से सूखने लग गई है। अब ये नॉनस्टिक पैन है तो स्पैचुला बहुत ही आराम से इस शीट को बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही इसके कॉर्नर अच्छे से सूख जाए, सूखने के बाद अब राइट साइड में भी स्पैचुला फैलाना, लेफ्ट साइड में भी स्पैचुला फैलाना, और बस आपने इसको पलटना है और दूसरी साइड भी थोड़ी देर तक पकाना है ताकि कच्चापन बिल्कुल ना रहे, और 1 से 2 मिनट बाद दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाएगी। ये देखो आप, अब बस इसका रोल बनाना है। तो मैं तो सिर्फ ये करता हूँ कि सॉस लिए मैंने यहाँ पर, सॉस की एक धार लगाई है ऐसे, उसके ऊपर आपने आलू का मसाला डालना है, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड से आप इसको कवर कर दो, एंड दैट्स इट, आपका रोल पूरा तैयार। है ना बहुत सिंपल, और बिल्कुल भी तेल नहीं डाला। ध्यान रहे आपने पैन में एक बूंद तेल भी नहीं डालना, बिल्कुल भी तेल नहीं डालना, क्योंकि तेल डालने से ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसको क्रिस्पी नहीं रखना, इसको नरम रखना है, बिल्कुल एक ब्रेड की तरह टेक्सचर आएगा इसका। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मॉइस्चर, मैं आपको कह रहा था ना कि अपने आप ही थोड़े से पतले हो जाते हैं, तो अब ये देखो फास्ट फॉरवर्ड में देखो, ये पहले कितना रिड्यूस सा हो रहा है, और जब मैं इसको पलट रहा हूँ तो ये देखो और भी रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे मैं कह रहा था ऐसा हो रहा है। अब ऐसे ही आपने एक एक करके सारी शीट्स बना लेनी है, और शीट्स के ऊपर बस आपने, जब आप दोनों साइड अच्छे से पका लो तो बस आप सॉस लगाना। सॉस ही नहीं, आप यहाँ पर चीज भी लगा सकते हो, और भी बढ़िया बढ़िया सॉसेस डाल सकते हो, मस्टर्ड सॉस डाल सकते हो, चिली सॉस डाल सकते हो, जो आपको पसंद आया वो डालना। बस आपने आलू का सिलेंडर डालना है और दोनों साइड से पैक करके इसको रोल करना है। ना बहुत सिंपल, ये देखो मैं आपको इसको काट के भी दिखाता हूँ, है ना बहुत बढ़िया। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है।